हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। स्वेटर, लेडी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट पे डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिज़ाइन। जस्ट ट्यूबल रोज का डिज़ाइन है। इन्हीं ट्यूबल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 4 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 4 प्लस 2। इसमें मैंने 4 मल्टीपल करके 12 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 14 कर लिया है। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो सारी फंदा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो भी सारी फंदा सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप थर्ड रो भी सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो भी सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप फिफ्थ रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे। आप इस तीन फंदा को बिना बुने स्लिप करना है इस तरह से, 1 2 3। धागा को ऐसे पीछे करना है, एक फंदा को छोड़कर। यहाँ से यहाँ तक एक डिज़ाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको ये रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप कीजिए, 1 2 3। फिर धागा को ऐसे पीछे करना है। दो डिज़ाइन ख़त्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है, 1 2 3। फिर धागा को ऐसे पीछे करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
सिक्स रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप सेवन रो सेम रो फाइव के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, फिर तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, फिर धागा को ऐसे पीछे करना है। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। एक फंदा सीधा, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। आपको रिपीट करना है यहाँ से, फिर वही रिपीट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, फिर धागा को पीछे करना है। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, धागा पीछे। यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप नाइन रो भी रो फाइव रो सेवन के जैसा ही बुनना है। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, फिर तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, फिर धागा पीछे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, धागा पीछे। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। एक फंदा सीधा धागा आगे, तीन फंदा पॉल वाइज स्लिप करना है। एक दो तीन, फिर धागा पीछे। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप टेन रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। टेन रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप इलेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस तीन लूप के एक दो तीन तीन लूप के नीचे से ऐसे नीडल डाल के इस आगे के एक फंदा को सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब इस फंदा को से गिरा देना है, फिर एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस तीन लूप के नीचे से ऐसे नीडल डाल के आगे की एक फंदा को ऐसे सीधा बुनेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। दो डिजाइन खत्म हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो। अब इस तीन लूप के नीचे से नीडल डाल के आगे की एक फंदा को ऐसे सीधा बुनेंगे इस तरह से, फिर एक फंदा सीधा। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक तीन डिजाइन खत्म हुआ है। लास्ट में आपको एक फंदा बचेगा, एक फंदा सीधा। इलेवन रो भी बुनकर कंप्लीट कर लिया है। आप ट्वेल्व रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
ट्यूबवेल रो भी उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट ट्यूबवेल रोज का है। इन्हीं ट्यूबवेल रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। अब यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो ट्यूबवेल तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।